वेलकम टू यूनिक वेब स्कूल। इस वीडियो में हम लोग नेक्सलेट मल्टीपल वेबसाइट सीएम और बिजनेस सीएमएस स्किप को इंस्टॉल करके आपको देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग ये जो स्किप है इसको बाय किए हो और इंस्टॉल करना नहीं जानते हो तो इस वीडियो में हम लोग आपको देखेंगे कैसे इस स्किप को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे आप लोग ये जो स्किप है इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले इसका जो सेल है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो और इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो रेगुलर लाइसेंस हो वो आप लोग देख सकते हो और एक्सटर्नल लाइसेंस भी है, ठीक है। इसको बाय करने के बाद आपको डाउनलोड करना है। अगर इसका जो लाइव प्रीव्यू है वो अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पर लाइव प्रीव्यू में क्लिक करके इसका जो डेमो वगैरह है वो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। मैं आपको इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एडमिन डेमो, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह है, किस डॉक्यूमेंट में किस तरह से इंस्टॉल करते हैं वो भी दिखेगा। यहाँ पर फॉन्टेड डेमो में हम लोग अगर क्लिक करते हैं तो हम लोग इसका जो डेमो है वो यहाँ पर देख सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो डेमो है वो ओपन हो रहा है। हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लोग चेक कर सकते हो। इसका जो भी भाषण PHP भाषण वगैरह आपको लगेगा, PHP रिक्वायरमेंट 8.1 लगेगा, MySQL वर्जन 5.7 लगेगा, ठीक है। ये सब कुछ आप लोग चेक कर लीजिएगा और उस हिसाब से आपको होस्टिंग परचेस करना है, ठीक है। अगर होस्टिंग में आपका ये फीचर नहीं होगा तो आप लोग इस स्किप को इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो स्किप है इसको इंस्टॉल करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट फाइल है वो सब कुछ चेक करके आप लोग होस्टिंग परचेस करना है, ठीक है। डेमो ओपन होने में प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन ओपन हो चुका है। तो इस तरह का आपका वेबसाइट दिखेगा और इसको कैसे सेटअप करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे। इसको सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हूँ तो उसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर ये रहा हमारा फाइल। तो इसी तरह का फाइल आपको मिलेगा, जिप फाइल। इसको करना है आपको अनजिप, तो मैं इसको अनजिप करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर राइट बटन क्लिक करना है, ठीक है। राइट बटन क्लिक करके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल में क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आप लोग ओके में क्लिक कर देते हो तो ये फाइल हमारा अनजिप हो जाएगा, ठीक है। अनजिप होने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और इसको हम लोग हमारा सर्वर में अपलोड करेंगे और आपको देखेंगे कैसे आप लोग इसको सर्वर में अपलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग वेट करते हैं इसको अनजिप होने तक। हमारा जो जिप फाइल है वो यहाँ पर अनजिप हो चुका है। इसके अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट फाइल मिलेगा और यहाँ पर इंस्टॉलेबल फाइल मिलेगा। इस फाइल को हम लोग हमारा जो सर्वर है उसमें अपलोड करेंगे और यहाँ पर अपडेट फाइल आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंस्टॉलेबल फाइल को यहाँ पर अपलोड करना है आपका सर्वर में। तो मेरा सर्वर में हम लोग cPanel यूज़ करते हैं इसलिए मैं cPanel को ओपन किया हूँ और यहाँ पर हम लोग जाएंगे फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर के अंदर जाने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर जाएंगे हमारा पब्लिक HTML में अगर इंस्टॉल करते हो तो आपको मेन डोमेन में इंस्टॉल करना होगा। तो मैं एड ऑन डोमेन में इंस्टॉल करूँगा इसलिए मेरा डोमेन को यहाँ पर ओपन करता हूँ और यहाँ पर अपलोड बटन में क्लिक कर देता हूँ। सिलेक्ट फाइल में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं मेरा फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर इंस्टॉलेबल फाइल यहाँ पर ओपन करके इस फाइल को मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा और ये रहा हमारा फाइल। ये अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। इसको अपलोड होने के बाद हम लोग इसका नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग वेट करते हैं इसको अपलोड होने तक, ठीक है। ये 204 MB का फाइल है तो अपलोड होने का टाइम लेगा, तो हम लोग वेट करते हैं इसको अपलोड होने तक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा फाइल अपलोड हो चुका है। हम लोग गो बैक में जाते हैं और यहाँ पर हमारा जो फाइल है इसको हम लोग अनजिप करने हैं, ठीक है। तो अनजिप करने के लिए यहाँ पर राइट बटन क्लिक करते हैं और एक्सट्रैक्ट फाइल में क्लिक करके यहाँ पर स्टक फाइल में क्लिक करते हैं। तो ये जो फाइल है ये हमारा यहाँ पर अनजिप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे। इसको क्लोज करना है और इस बार हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो डोमेन है वो यहाँ पर ओपन करना है। तो मेरा डोमेन को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ और यहाँ पर स्लैश इंस्टॉल लिख कर इंटर करना है, स्लैश इंस्टॉल, ठीक है। आपका डोमेन स्लैश इंस्टॉल, तो यहाँ पर मैं स्लैश इंस्टॉल लिख कर इंटर किया हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लाइसेंस वगैरह है, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह है। वन सिंगल वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर आई एग्री और नेक्स्ट में क्लिक करते हैं और यहाँ पर सर्वर रिक्वायरमेंट PHP वगैरह भाषण वगैरह यहाँ पर है, सब कुछ सही है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है
और यहाँ पर फोल्डर में परमिशन वगैरह सब कुछ से ही यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करना है और यहाँ पर रिक्वायर्ड डाटाबेस SQL अवेलेबल है, तो हम लोग नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं और ये रहा हमारा एप्लीकेशन URL यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डाटाबेस इंफॉर्मेशन देने के लिए डाटाबेस होस्ट यहाँ पर लोकल होस्ट रहेगा, डाटाबेस यूज़र नेम, डाटाबेस नेम, डाटाबेस पासवर्ड और ये सब कुछ हम लोगों को फिलअप करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डाटाबेस क्रिएट करते हैं और यहाँ पर डाटाबेस को फिलअप करते हैं। चलिए इस बार हम लोग डाटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। ठीक है, तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग जाएंगे हमारे सी पैनल के अंदर, मेन सी पैनल के अंदर। उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर देखेंगे डाटाबेस नाम का ऑप्शन, हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो डाटाबेस नाम का ऑप्शन है और यहाँ पर आपको जाना है MySQL डाटाबेस। ठीक है, यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको डाटाबेस क्रिएट करना है और उसके बाद डाटाबेस का जो यूज़र है वो भी क्रिएट करना है और डाटाबेस और यूज़र को दोनों को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट न्यू डाटाबेस, यहाँ पर हम लोग डाटाबेस का नाम देंगे। हम लोग क्या नाम देंगे, हम लोग यहाँ पर यूनिक वेब स्कूल यही नाम दे देते हैं। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम देते हैं, आप लोग कुछ भी नाम यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ये हमारा डाटाबेस का नेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट डाटाबेस यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट डाटाबेस में और यहाँ पर हमारा जो डाटाबेस है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, इसको आप लोग सेव कर लीजिएगा। तो हम लोग गो बैक में जाएंगे और यहाँ पर डाटाबेस के लिए डाटाबेस यूज़र क्रिएट करेंगे, इसलिए हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एडिट न्यू यूज़र। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र नेम है, आप लोग कुछ भी यहाँ पर यूज़र नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पर नाम टाइप कर देता हूँ, यही नाम USER यूज़र दे देता हूँ, ये हमारा यूज़र नेम है और इसके लिए हम लोगों को पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर अगेन पासवर्ड दोबारा से आपको टाइप करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पासवर्ड को जेनरेट करेंगे, इसलिए यहाँ पर पासवर्ड जेनरेटर में क्लिक करते हैं और ये जो पासवर्ड हम लोग को जेनरेट करके दिया है इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं। ठीक है, हमारा पासवर्ड को यहाँ पर सेव करते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर आई हैव कॉपी में क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूज़ पासवर्ड में क्लिक करना है तो आपका पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट यूज़र में क्लिक करना है, यहाँ पर क्रिएट यूज़र यहाँ पर क्लिक करना है तो आपका जो यूज़र है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा यूज़र, तो ये जो यूज़र है और हमारा जो डाटाबेस हम लोग क्रिएट किया है उसको कनेक्ट करना है, तो इसलिए हम लोग गो बैक में जाएंगे और यूज़र और डाटाबेस को कनेक्ट करेंगे, इसलिए हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर एडिट यूज़र टू डाटाबेस यहाँ पर आपको देखेगा, यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है, इसलिए हम लोग हमारा जो यूज़र है उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर डाटाबेस को सिलेक्ट कर देते हैं, ये हमारा डाटाबेस है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर एडिट में क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पर एडिट में क्लिक कर देता हूँ। एडिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑल में टिक मार देना है और यहाँ पर मैक्स चेंज में अगर आप लोग क्लिक कर देते हो तो ये आपका डाटाबेस और डाटाबेस यूज़र कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो यूज़र और डाटाबेस है इसको कॉपी करना है, यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर कॉपी कर ले हैं और उसके बाद यहाँ पर हम लोग सेव करेंगे हमारा नोटपैड के अंदर। ठीक है, डाटाबेस क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पर डाटाबेस यूज़र नेम दे देते हैं, तो हमारा ये रहा हमारा डाटाबेस यूज़र नेम, ये रहा डाटाबेस नेम, ये रहा हमारा डाटाबेस नेम, इसको देते हैं और डाटाबेस पासवर्ड, तो ये रहा हमारा डाटाबेस पासवर्ड। ठीक है, सब कुछ दिया है। उसके बाद एडमिन लॉगिन इंफॉर्मेशन आपको देना है, यहाँ पर हम लोग देते हैं हमारा नाम। उसके बाद यहाँ पर यूजर नेम देना है और यहाँ पर पासवर्ड देना है, तो पासवर्ड में यही पासवर्ड दे देता हूँ, आपका पासवर्ड आप लोग दीजिए। यहाँ पर एडमिन में मेरा एडमिन URL में देता हूँ ईमेल को। उसके बाद चेक डाटाबेस कनेक्शन में क्लिक करना है। ठीक है, डाटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, अभी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, वेट करते हैं इसको इंस्टॉल होने तक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डाटाबेस इंपोर्ट सक्सेसफुली, सिस्टम इंफॉर्मेशन अपडेट, सब कुछ हमारा वेबसाइट इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा डोमेन को ओपन करते हैं।
और देखते हैं हमारा वेबसाइट कैसे ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा वेबसाइट और ये रहा हमारा वेबसाइट का होम पेज। ठीक है, तो इस तरह का आपका वेबसाइट है, ये सब कुछ आप लोग चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो पॉपअप नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो ये सब कुछ आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो। तो इसको कैसे सेटअप करना है, किस तरह से आपका जो एडमिन एरिया है उसमें लॉगिन करके ये जो सारा इन्फॉर्मेशन चेंज करना है, आपका लोगो वगैरह कैसे देना है, ये अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक के अंदर बनाऊंगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स।